गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नूतन ने बात पूछी थी, कल उसके बारे में बताया गया और ये बताया गया कि अगर अपना आपा मजबूत हो तो आपके अपने भी आपको नहीं सता सकते। अगर आपका अपना आपा, अपना चरित्र मजबूत हो तो आसपास के वातावरण में छाई हुई विभीषिकाएं और साथ में रहने वाले संबंध कोई आपको नहीं सता सकते। अगर सताते हैं तो उनमें उनकी कमी नहीं है, आपकी कमजोरी है। इसलिए अब कमजोरी क्या है इस बात को भी समझना पड़ेगा। आदमी की कोई कमजोरी नहीं है, आदमी किसी तरह से कमजोर भगवान ने नहीं बनाया, उसकी एक ही कमजोरी है और उस कमजोरी का नाम है सुख। उस कमजोरी का नाम है सुख। याद रखना, जो अपेक्षा करता है उसकी उपेक्षा होती है। शब्द को समझ लेना, अपेक्षा का मतलब है जो किसी से इच्छाएं करता है वो ही उसकी उपेक्षा करता है। लोगों की मान्यताएं विकृत हो गई हैं, मानवीय दृष्टि से विचार किया जाए तो परमात्मा की कल्पना को दो हाथ, दो पांव, नाक, मुंह, कान, पेट वाला जो ये मनुष्य है, जो भगवान ने इसमें अंग प्रत्यंग लगाए हैं, सारी चीजें इसके अंदर दे दी हैं, फिर भी ये दूसरे से इच्छा करता है। इच्छा करने का मतलब ये अपने आप में समर्थ नहीं है। बात को समझना, भगवान ने इसको सब कुछ देने के बावजूद भी ये समर्थ नहीं है, दूसरों के ऊपर निर्भर रहना चाहता है। जबकि भगवान ने हरेक को इतना मजबूत बनाया है कि वो अपने मादे पर, अपने कंधों पर, अपनी जिम्मेदारी पर अनेक व्यक्तियों का पालन करने की ताकत को रखता है। आप स्वर्ग, स्वर्ग अच्छा बताओ, मैं पूछना चाहता हूं आपकी दृष्टि में स्वर्ग क्या है? जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अच्छा लिखिए, स्वर्ग क्या है? स्वर्ग के बारे में आपकी मान्यता क्या है? कैसा स्वर्ग होगा? मेरे अनुसार स्वर्ग वो है जहां आदमी निठल्ला, निकम्मा, बेकार रहे, और जो इच्छा करे वो इसकी इच्छा पूरी हो जाए। बात की गहराई को समझना, हाँ रणबीर तुम कुछ ठीक लिख रहे हो पर समझिए,
स्वर्ग क्या है? अगर तुम्हारे घर में एक एक आदमी इतना मजबूत है कि जो किसी से इच्छा नहीं करता परंतु जितनों से जुड़ा है ये ढूंढता फिरता है कि मुझको कहीं मौका मिले अपनों का कुछ करने का, बीता बेटा जो मैं समझा रहा हूं जरा तोल करके देख उस बात को। मैं बेटा दोबारा बोल रहा हूं, भगवान ने दो हाथ पैर नाक कान मुंह ये सब चीज दे करके इस शरीर को पैदा किया है, परंतु इसके अंदर इतनी क्षमताएं दी हैं कि ये स्वयं में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे और अपने साथ साथ अपने संबंधों की जिम्मेदारी को भी पूरा करे। परंतु ये तो जन्म लेकर के ये करता है मैं निठल्ला रहूं और मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। बोलो हर आदमी स्वर्ग किसको मानता है? जहां करना कुछ ना पड़े और सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। मेरे लाडलो मेरे प्यारो, इस दुनिया के मनुष्य जन्म लेने से पहले तुमने कितने दुखों को भोगा है, या कहूं दुनिया के जितने भी दुख हैं उन सब को भोगने के बाद ये देह भगवान ने अपनी अनुकंपा से आपको दी है। परंतु यदि हम इसका सही सदुपयोग नहीं कर सके तो जो नूतन सवाल कर रही है वो सबका हाल होगा, और हाल होगा नहीं सबका हाल वही है, हाल होगा नहीं भविष्य में नहीं होगा, आज सबका हाल वही है, और सबका हाल वो होने के कारण क्या हाल है मैं बात को साफ ही कर देता हूं। हर आदमी दूसरे पर निर्भर है, हर आदमी पराधीन है, इसलिए इस जन्म को लेकर के जेल में पड़ा हुआ है। अच्छा जेल में कौन जाते हैं? जो चोरी करता है, दगा देता है, पाप करता है, गलत काम करता है, पुलिस पकड़ करके कोर्ट उसको जेल में डाल देती है। तो भगवान की कोर्ट ने हमको सजा दे रखी है, हम जेल में बंधन में पड़े हैं। आज हमारा वो हाल हो चुका है, तो ये नरक है या नहीं है? जीते जी का नरक, जीते जी का नरक, देख लीजिए ये है या नहीं है। हमें अपने लिए अपने स्वर्ग का निर्माण करना होगा। बेटा अच्छे से देखिए, इस जन्म को लेने से पहले 84 लाख योनियों में कहां पर आपको सुख था? अरे अगर सुख था तो ये था कि अपने अंदर से ही उल्लास उठता था, हम उन योनियों में रह करके कुछ खुदक फुदक लेते थे, पक्षी थे तो आकाश में कुलाचे मार लेते थे, परंतु सच को बताओ कितने दुखों को सह करके बरसात गर्मी सर्दी और दूसरी मारें जो हमारे ऊपर पड़ती रही उनको सहते सहते हमारी चेतना इस मानव योनि के अंदर आई है। उन दुखों को इस जीवन को पाकर के हम भोग लें। जो दुखों को भोगने के बाद सुख पैदा किए हैं और इस जन्म को पाकर के
हम पिछले दुखों की प्रवृत्ति को भूल जाएं और इस जन्म में सुखों को पाने लग जाएं, तो हमारा आगे का क्या होगा? जो भाग्य जोड़ा है, जो भाग्य जोड़ा है वो खत्म हो जाएगा। बेटा, नूतन में फिर तेरी बात का जवाब दे रहा हूं, हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आत्मनिर्भर हमको बनना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। जो प्रकृति ने बनाया है उसको हमको मानना पड़ेगा। अब बेटा, मैं एक बात ये कहता हूं, खेती बीज बो करके पैदा होती है। खेती जो पैदा होती है वो बीज बो करके होती है। मौसम में होती है, जलवायु में होती है, घर में उस तरह के वातावरण को पैदा करना पड़ेगा। आज सबकी सोच से जो पैदा हुआ वातावरण है वो एक है, नोच नोच करके खा लीजिए। तो स्वर्ग कहां से लाओगे? उस स्वर्ग को तो पैदा करना पड़ेगा। अरे, बीज बनकर के गलना पड़ेगा, बीज बनकर के गलना पड़ेगा। बिल्कुल गुप्ता जी लिख रहे हैं, अनुकूलता के वातावरण को जिसमें सब समा जाए उसको हमको पैदा करना पड़ेगा। उस वातावरण को हमको पैदा करना पड़ेगा जिसमें आकर के हर हमारा संबंधी अपने आप को गलाने के लिए तैयार हो जाए। मैं दोबारा कहता हूं, बीज की दो जगह है, वैसे तो तीन जगह है, पर बीज की दो जगह है। एक है मिट्टी में और दूसरा है घर में, कोठे में। मिट्टी में गया तो गलेगा, उगेगा, बढ़ेगा, और कोठे में सुरक्षित रखा रहा तो तबाह हो जाएगा। अदृश्य रूप से समय की मार उसकी उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देगी। मेरे लाडलो, अगर मेरी बात को समझ रहे हो तो सुन लीजिए। अगर इसी तरह से निष्क्रियता सुख हमारी चेतना पर छाया रहा और हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जैसे बीज को कोठे में रखकर सुरक्षित कर दिया गया, इसी तरह से संसार में अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हम प्रयत्नशील रहे तो खत्म हो जाओगे। बीज की जगह भूमि में है, आपको भगवान ने जन्म दिया है गलने के लिए, मिटने के लिए, गलने के लिए, मिटने के लिए, उगने के लिए। याद रखना, जो मैं बात बोल रहा हूं, बीज की गति वहीं खत्म हो जाती है जहां वो अंकुर को फोड़ देता है। बीज का काम खत्म, फिर अंकुर का काम शुरू होता है। राम आए, राम के साथ सीता आई, श्री कृष्ण आए, बहुत सारे ऋषि आए, वो बीज की तरह से गले, परंतु गलने के बाद उनका काम पूरा हो गया। जो काम उन्होंने किए, जो काम उन्होंने किए, जो उनके बनाए गए रास्ते पर चल रहे हैं वो फल रहे हैं। जो उनके बनाए गए रास्ते पर चल रहे हैं वो फल रहे हैं, और जिन्होंने अपने रास्ते बना लिए वो भटक रहे हैं।
हमारा देश वो देश है जो संतों मुनियों और गंगा जैसी नदियों से घिरा हुआ है, जहां सात्विकता ही सात्विकता का माहौल है, जहां गंगा जैसी पवित्र नदियों को आज गंदा बना दिया गया है, अपवित्र कर दिया गया है, जहां इतने निर्मल भगवान ने रिश्ते दिए हैं, आज उन रिश्तों को भी गंदा कर दिया गया है। मैं फिर से कहता हूं, जैसे कबाड़ को जलाने पर वातावरण में धुआं भर जाता है, आज आदमी भी तरह तरह के प्रलोभनों, वासना, भोग, विलास उसमें जाकर के खो गया है। उन्होंने एक ऐसा वातावरण बना दिया है जहां पर कोई भी माता, बहन, बेटी सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। निश्चित रूप से बेटा, और अब दूसरी बात भी सुन ले, अनुकूल बनाने के लिए साथी चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चने के बीज का छिलका कभी हटाया होगा आपने? उसके अंदर से दो दल निकलते हैं, दो दल। उसे बीच में से तोड़ोगे तो ऐसा लगेगा जैसे प्रकृति ने इनको कितना आपस में चिपका करके, चिपटा करके रखा हुआ है। जब भी अंकुर फूट करके निकलता है तो उन दोनों के बीच से फूट करके निकलता है। जहां रिश्ते में इतना लगाव पैदा हो जाएगा, प्रेम पैदा हो जाएगा, जिसमें किसी भी तरह का कोई पाप ना हो, उससे वातावरण बनेगा। अगर वो वातावरण बन गया, बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, अकेला दल यानी के बीज का अकेला पार्ट अपना काम नहीं कर सकता। अगर उसे बनना है तो उसी तरह से जुड़ना पड़ेगा, जिस तरह से जितनी दालें हैं उनके बीज के दल आपस में जुड़े हुए हैं, एक छिलके में लिपटे हैं, एक आवरण में ढले हैं। तो नूतन बेटा, गलिए, ढलिए, वातावरण को बनाइए। कोई साथ नहीं देगा। ये जितने भी लाइन पर हैं, इनको समझ आ रहा है, आपस में एक दूसरे का साथ देगा, आपस में एक दूसरे का साथ देगा, और कोई नहीं देगा। वो मोह माया है, जो रिश्ते हैं अब वो मोह माया है, हम उनके बंधन में बंधे हैं। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं आपको अपने परिवार को छोड़ करके चल लें, आप बैरागी हो जाए, जोगी हो जाए, भगवा हो जाए, भगोड़े हो जाए, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। भगवान ने जहां जन्म दिया है वहां हमारी जिम्मेदारियां हैं। संसार से मुक्ति पाने के लिए दोनों की जरूरत है। आपकी जो नैतिक सांसारिक जिम्मेदारियां, आपको उनको भी पूरा करना पड़ेगा, परंतु अपनी आत्मा का साथ देने वाले उन दलों को भी ढूंढना पड़ेगा जो हमारे साथ चिपक करके हमें आगे बढ़ाएं। दोनों काम आपको एक साथ करने होंगे। बेटा, स्वर्ग भगवान के ऐसे अलंकारिक चित्रणों में संभव है जो कुछ शिक्षाएं, कुछ गूढ़ रहस्य, मनोवैज्ञानिक तथ्य जिसमें सम्मिलित हों, जिसके अंदर निहित हों। वास्तविक नहीं है वो,
ये जो संसार में आप देख रहे हैं इसमें वास्तविकता नहीं है। परमात्मा शरीरधारी मनुष्य नहीं और ना उसे इस रूप में देखा ही जा सकता है। यदि कोई ऐसा कहता है तो वह भ्रमाता है, भ्रम में डालता है। इसी तरह से स्वर्गलोक और कुछ नहीं है, वो कोई स्थान नहीं है, किसी जगह का नाम नहीं है। स्वर्ग का अर्थ है सुख का स्थान और नरक का अर्थ है दुख का स्थान। बेटा समझना, स्वर्ग का नाम है सुख का स्थान, सांसारिक पदार्थ के सुख नहीं, संबंध के सुख जहां मिल रहे हो वहां स्वर्ग है। नरक का मतलब जहां हम भौतिक सुखों को भोग रहे हैं, इंद्रिय भोगों को भोग रहे हैं और अपने लिए नरक पैदा कर रहे हैं। सरोज बात तो कुछ ठीक है बेटा तुम्हारी, परंतु जो बात मैं समझा रहा हूं बात ठीक लिखी है, मुझे रुकना पड़ा। परंतु जो बात मैं समझा रहा हूं उस बात के रस को निकाल करके देखिए बेटा। बात में ये समझा रहा हूं जहां हमारे पारिवारिक संबंधों का सुख हमको मिलता है वहां पर एक अच्छा वातावरण मिलेगा। जहां, दोबारा से बोल रहा हूं, जहां आत्मा की स्थिति गदगद हो जाए, फूली ना समाए, अपने संबंधियों के कर्मों को देख करके फूली ना समाए, वही स्वर्ग है। और नरक वहां पर है जहां पर हम संबंधों के सुखों को पाना चाहते हैं, हम उनके ऊपर निर्भर होते हैं, वहां नरक है। जहां सुख है वहीं स्वर्ग और जहां दुख है वहीं नरक। फिर यह स्थान जो धरती है वो सारी धरती, सूर्य चंद्र मंगल जो भी नौ ग्रह हैं, वो नौ के नौ इसको अपनी शक्ति दे रहे हैं, इसकी गति में अपनी शक्ति को दे रहे हैं, और फिर भी यहां पर नरक पैदा हो रहा है। तो ये नरक वो सूरज चंद्रमा ग्रह मंगल ये सब कर रहे हैं पैदा या हम कर रहे हैं? इस धरती को नरक हमने बनाया है, उन्होंने नहीं बनाया। वो तो अपनी गति दे करके इसकी सदगति कर रहे हैं, इसलिए हमको उस वास्तविक अवस्था के बारे में जरा सोचना होगा। समय कुछ ज्यादा ही हो गया है इसलिए कल बताएंगे, आज अब ध्यान कर लीजिए क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। मैं बात में बह गया और समय भूल गया, इसलिए ध्यान की तरफ चलें। मैं सूचना दे दूं, तुम्हारी मां का अभी मैं 8 बजे जाऊंगा वो कराने के लिए, क्या नाम, टेस्ट कराने के लिए। 10 बजे तक रिपोर्ट आएगी जिसमें क्रेटिनिन का लेवल पता लगेगा और फिर डिसाइड करेंगे आगे का।
पता नहीं मेरे फोन को क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रही। अब तो मैं यही कहूँगा पुराना चला करके आप, क्योंकि पुराना मेरे उसमें है और ये दिक्कत कर रहा है, गोल गोल घूमे जा रहा है। और अभी थोड़ी देर बाद चल जाएगा ये। मैं तो अभी यही कहूँगा आप अपने स्तर से कर लें, क्योंकि ये चल ही नहीं रहा है। देखता हूँ फिर इसका अभी कुछ। आज की बात को यहीं संपन्न कर रहा हूँ और अब मैं उनका टेस्ट कराने निकलूँगा। आज की बात समाप्त।